नमस्कार, मैं हूं शिल्पा पाठक। बिहार आवर में आपका स्वागत है। आज 29 अगस्त, बढ़ते बिहार की 25 बड़ी खबरें की ओर। AI में सीनियर असिस्टेंट के पद पर आवेदन की आखिरी तारीख करीब। एयरफोर्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की ओर से निकाली गई सीनियर असिस्टेंट के पद पर भर्ती के लिए आवेदन की प्रक्रिया जल्दी समाप्त होने वाली। इन पद पर जुलाई के महीने में शुरू होने रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया को लेकर AI 31 अगस्त 2021 को बंद कर दिया जाएगा। जो भी उम्मीदवार इन पद पर अप्लाई करना चाहते हैं वो अभी तक अप्लाई नहीं कर पाए, फटाक से अप्लाई करें। आखिरी तारीख बीतने के बाद कोई भी फॉर्म स्वीकार नहीं किया जाएगा। CRPF में कमांडेंट और डिप्टी कमांडेंट के पद पर भर्ती। सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स ने केंद्र राज्य सरकार में कार्यरत अधिकारियों से इंजीनियरिंग से लेकर कैंडिडेट तक रिक्त पदों पर भरने के लिए आवेदन की आखिरी तारीख बता दी गई है। योग्य उम्मीदवार इन भर्ती के लिए 23 सितंबर 2021 तक आवेदन कर सकते हैं। CPR के द्वारा इस पदों के लिए CRPF के साथ आधिकारिक वेबसाइट crpf.gov.in पर जाकर इसका नोटिफिकेशन उपलब्ध कर सकते हैं। इस भर्ती के लिए जरिए CRPF में कमांडेंट और डिप्टी कमांडेंट के 13 पदों पर नियुक्ति की जाएगी। आवेदन पत्र भरकर आवश्यक दस्तावेजों के साथ इस पते पर भेजना है। डायरेक्टर जनरल CRPF CAO कॉम्प्लेक्स वॉक नंबर 1 न्यू दिल्ली। CRPF में 25,000 कांस्टेबल की भर्ती आवेदन को 3 दिन तक बाकी। कर्मचारी चयन आयोग की ओर से CRPF में 25,000 कांस्टेबल के पद पर भर्ती के लिए 3 दिन बाकी रह गए। जी हाँ, केंद्रीय पुलिस में कांस्टेबल की नौकरी पाने के इच्छुक अभ्यर्थी 31 अगस्त 2021 को रात 11:30 बजे तक आवेदन कर सकते हैं। इस भर्ती परीक्षाओं के लिए SSC GD कांस्टेबल भर्ती परीक्षा की आवेदन तिथि नहीं बढ़ेगी। इस संबंध में SSC ने हाल ही में वेबसाइट ssc.nic.in पर जाकर नोटिस भी जारी कर दिया था। नोटिस के अनुसार सेंट्रल आर्म पुलिस कोर्सों के साथ ही असम राइफल्स में फायरमैन के पदों पर भी भर्ती के लिए इच्छुक अभ्यर्थी 31 अगस्त 2021 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आयोग ने इस बार कहा है कि अभ्यर्थियों को लास्ट डेट का इंतजार नहीं करना चाहिए। आवेदन तिथि जमा करने की डेट नहीं बढ़ाई जाएगी। न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने ट्रेड अप्रेंटिस के 107 पदों पर निकाली भर्ती। न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने ट्रेड अप्रेंटिस के 107 पदों पर भर्ती निकाली है। इस आवेदन के लिए 25 अगस्त से शुरू हो चुके जो 13 सितंबर 2021 तक चलेगी। इच्छुक योग्य उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट nuclearcareer.com.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। उम्मीदवार को 10वीं पास होने के साथ संबंधित ट्रेड में ITI होना चाहिए। आवेदन की उम्र दिनांक 13/9/2021 से 14 वर्ष से कम नहीं एवं 24 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। SC ST OBC PWBD के लिए केंद्र सरकार के नियमानुसार आयु सीमा में छूट प्रदान की जाएगी। देश में नए केस 40,000 के पास, मौत के आंकड़े भी बढ़े। भारत में कोरोना वायरस की रफ्तार एक बार फिर से डराने लगी। जहां केरल की वजह से भारत का कोरोना ग्राफ अभ्यावर देखने को लगा है। भारत में कल यानी शनिवार को सुबह कोरोना वायरस के करीब 47,000 नए केस सामने, जिसमें 24 घंटे में 509 लोगों की मौत हुई। यह ध्यान देने की बात है कि सिर्फ केरल में 32,801 नए केस मिले, जिसमें से 179 लोगों की जान चली गई है। इस बीच सिर्फ राहत की बात यह है कि भारत कोरोना टीकाकरण को लेकर दिशा में आगे बढ़ रहा है। शुक्रवार को एक दिन में 1 करोड़ से अधिक लोगों को वैक्सीन लगाई गई। स्वास्थ्य मंत्रालय के लेटेस्ट आंकड़ों के मुताबिक भारत में 24 घंटे के दौरान कोरोना वायरस में 46,749 नए केस, जिसमें से 509 की मौत हो चुकी है। इस दौरान कोरोना से रिकवर होने वाले मरीजों की संख्या नए मरीजों से काफी कम रहा है। कोरोना से जंग लक्ष्य के 27 अस्पताल में लगी PSA ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट। बिहार में कोरोना की तीसरी संभावित लहर से निपटने और मरीज के साथ ऑक्सीजन की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने को लेकर निर्धारित लक्ष्य की तुलना में मात्र 27 स्वास्थ्य संस्थानों में PSA के साथ ही ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट लगाए गए हैं। स्वास्थ्य विभाग की ओर से 122 स्वास्थ्य संस्थानों के परिसर में साथ ही जनरेशन प्लांट लगाने का निर्णय लिया गया था। अब इसे 31 अगस्त तक पूरा करने का निर्णय रखा गया। 31 अगस्त की समय सीमा समाप्त होने के साथ ही मात्र 3 दिन शेष रह गए हैं। अब तक मात्र 33 स्वास्थ्य संस्थानों की ओर से ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट लगाए गए हैं। आधे से अधिक संस्थानों पर PSA के साथ ही ऑक्सीजन प्लांट के लगाए जाने की प्रक्रिया जारी है। एमरजेंसी लैंडिंग के बाद चौथे दिन हेलीकॉप्टर ने भारी उड़ान। चीनी को देखने उमड़ी भीड़, सजी समोसे जलेबी की दुकान। बक्सर जिले के राजपुर प्रखंड के मानिकपुर हाई स्कूल में एमरजेंसी लैंडिंग के चौथे दिन शनिवार को वायुसेना के हेलीकॉप्टर चिकुन को भी उड़ान भरी। जी हाँ, इस दौरान स्कूलों के चारों ओर सैकड़ों भीड़ इकट्ठा जमा हो गया था। हेलीकॉप्टर की उड़ान भरते ही हाथों में तिरंगा के साथ ही लोगों ने एक सुर में भारत माता की जयकारे लगाते रहे। वायुसेना के हेलीकॉप्टर के धनसोई थाना के पास मानिकपुर हाई स्कूल के मैदान में उतरने वाली सूचना पर ग्रामीणों की भीड़ देखने को लग गई थी। लोग बाइक और टेम्पो से पहुंच कर हेलीकॉप्टर को सामने से देखना चाहते। लोगों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए आसपास समोसे जलेबी समेत खाने पाने की कई दुकानें भी लग गई थी। आपको बता दें कि बुधवार को प्रयागराज से लेकर वायुसेना का हेलीकॉप्टर चिनूक लगभग 20 जवानों को लेकर बिहार के बिहटा एयरफोर्स स्टेशन जा रहे थे। इसी दौरान हाइपो हेलीकॉप्टर में तकनीकी खराबी आ गई थी। मुजफ्फरपुर में वाहन जांच के दौरान कार से मिले 20 लाख से अधिक रुपए। जिले के फकनी ओपी के समीप हाईवे पर शनिवार को वाहन जांच के दौरान कार से लाख रुपए जब्त कर लिए गए। कार सवार व चालक को हिरासत में रखकर पूछताछ की जा रही है। प्रारंभिक पूछताछ में पता चला कि कार पर चालक के अलावा एक व्यक्ति फरार था। उन्हें के बारे में कहा जा रहा है कि ग्रामीण कार्य विभाग दरभंगा में अभियंता के पद पर तैनात है। लाखों रुपए कहाँ से आए और कहाँ ले जा रहे हैं, इसके बारे में अब तक पुलिस को प्रमाण नहीं दिया गया है।
फर्जी नियोजन पत्र पर रोहतास में नौकरी कर रहे ढाई दर्जन शिक्षक सासाराम फर्जी हस्ताक्षर से निर्गत पद पर ढाई दर्जन से अधिक लोगों की शिक्षक की नौकरी कर रहे हैं, जहां विभाग जांच कराने के बाद कहने पर अपना कर्तव्य मान रहे हैं। हाल ही के दिनों डीडीसी सर नियोजन इकाई जिला परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी के नाम पर जुआरी जुआली नियुक्ति पत्र पर भी कई शिक्षण प्रदान के साथ योगदान दिए गए थे। अधिकारी को पता नहीं है उनके हस्ताक्षर से निर्गत किए गए पत्र फर्जी हस्ताक्षर करने वाले गिरोह का पता लगाने में जुटी नियोजन इकाई अधिकारियों की माने तो जिला परिषद व शिक्षा विभाग अधिकारियों के फर्जी हस्ताक्षर पत्र निर्गत का गिरोह भी तलाश पर जुट गए। फर्जी हस्ताक्षर से जिले के विभिन्न उच्च व उच्च माध्यमिक विद्यालयों के साथ ही सामाजिक दर्जन भर शिक्षकों का खुलासा होने के बाद अधिकारी सहकर बता रहे हैं। मामला संज्ञान में आने के बाद दो दिन पूर्व जिला परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी सर डीडीसी द्वारा निर्गत पद में प्रधानाध्यापकों को लेकर स्पष्ट कर दिया गया। जिला परिषद क्षेत्र में अंतर्गत जिला शिक्षक नियोजन अल्पियत प्राधिकार वार्ड संख्या 43/215 या अन्य किसी भी वाद के आलोक में इस तरह के मामला संज्ञान में आए तो जिला परिषद को तत्काल सूचित करें, ताकि शिक्षा विभाग और नियोजन इकाई के द्वारा संबंधित दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कार्रवाई की जा सके। पश्चिम चंपारण बगहा 1-2 के एसएफसी गोदामों में भारी अमीरता उजागर। बगवा और बगवा के दो प्रखंड के एसपी के साथ डीएसपी डीपीएस गोदामों में रखे गए खदानों में भारी अमीरता उजागर हो गई। इसको लेकर दोनों गोदामों के सहायक गोदाम प्रबंधक व डेपले के साथ डिलीवरी के समय में कार्यवाही की जद में आ गए हैं। बगहा शेख आनंद ने दोनों गोदामों के सहायक प्रबंधकों व संबंधों के साथ विरुद्ध कार्यवाही को लेकर प्रतिवेदन जिलाधिकारी को भेजा है। प्रतिवेदन में बताया जा रहा है कि दोनों गोदामों की जांच की जा रही है। बगवा व एक गोदाम के सहायक प्रबंधक लवेली सैनी उपस्थिति के साथ पाई गई किसी तरह की पंजी उपस्थिति नहीं किया गया। गोदामों में भंडारित हुए चावल व गेहूं के स्टॉक भी की जा रही है। बगहा में से 33.99 क्विंटल व 61.22 क्विंटल चावल था। बगहा में 183.14 क्विंटल गेहूं 65.34 क्विंटल चावल अधिक पाए गए। इतना ही नहीं, बोरियों का गोदाम भी सही तरह से भंडार नहीं पाए गए। खाद्यान्न वर्जन के लिए रखी गई इलेक्ट्रॉनिक मशीन सही तरीके से कार्य नहीं करी। इसे गंभीरता से लेते हुए एसडीएम ने खदानों की कालाबाजारी की जाने की बात बताई है, जिसमें सहायक गोदाम प्रबंधक डोरस्टेप डिलीवरी की संवेदक की संलिप्तता तो हो सकती है। अवैध बालू खनन में हटाए गए 4 एसडीपीओ से सो कॉच। बालू के अवैध खनन से संलिप्तता के आरोप में हटाए गए 4 मिलर पुलिस पदाधिकारी से सो कॉच किया गया, जहां फिलहाल ये अधिकारी निलंबित है। इस पुलिस अधिकारी को उन पर लगे आरोपों के मध्य जवाब में 15 दिनों के अंदर लिखित जवाब देना होगा। अवैध बालू खनन में ईओ के साथ ही जांच रिपोर्ट में 41 पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों पर कार्रवाई की, जिसमें पालीगंज के तत्कालीन एसडीपीओ तनवीर अहमद, जहरी के तत्कालीन एसडीपीओ अजय कुमार, भोजपुर के तत्कालीन एसडीपीओ पंकज कुमार रावत, औरंगाबाद सरहद के तत्कालीन एसडीपीओ अनूप कुमार भी शामिल थे। इस पुलिस पदाधिकारी को लेकर अब महीनों से निलंबित कर दिया गया है। इसके बाद खिलाफ विभागीय कार्रवाई के आदेश दिए गए हैं। तिलियुगा व बगुल फुहान पर कई गांवों में घुसा पानी। मोराना नेपाल व आसपास में लगातार हो रही बारिश से एक बार फिर से नदियां उफान लगे, जहां एक तरफ जहां 1.5 माह से अधिक दोनों से दिनों में केसी नदी से साथ ही कोसी के बीच लोग परेशान नजर आए, वहीं दूसरी ओर 1 माह में बलान नदी भी शनिवार को बड़ा रुख अख्तियार ले लिया है। प्रखंड क्षेत्र की इस नदी के फैले जाने से लेकर फसल डूब चुकी है। कई गांवों में सड़क पर पानी पड़ गया है। एकाएक इस नदी में पानी बढ़ने से लोगों को बहुत परेशानी का सामना करना पड़ा। बहुत प्रखंड के साथ ही ललमलिया, इटहरी, रोजाना, बेला, कोनी और परसोनी गाँव में पानी भी फैल गया है, जिस कारण से लोगों की परेशानी बढ़ती जा रही है। किसी तरह एक दूसरे की मदद से अपनी जरूरत को पूरा करते नजर आ रहे हैं। बारिश की वजह से कई गांव जलमग्न हो गया है। गांव को पानी विकास के साथ ही नए पुल को लेकर लोगों के द्वारा बंद कर दिया गया है। कुछ लोग की सूचना जिलाधिकारी निरंजन सुमन ने भी शनिवार को उसका खुलासा किया। सीओ ने बताया कि सूचना मिली थी कि कुछ गाँव निवासी के साथ ही बने पुल को लोगों के द्वारा जाम कर दिया गया, जिसे साफ करवाया गया। एक जगह पर जमे पुलिस अफसरों पर होगा तबादला। 3 साल से अधिक समय से एक ही जगह पर जमे सब इंस्पेक्टर से लेकर डीएसपी तक तबादला होगा, जिस संबंधित लेटर जारी निर्वाचन आयोग ने गृह विभाग को भेज दिया है। पंचायत चुनाव करेगा पत्र में ऐसे भी सभी पदाधिकारी तबादले का निर्देश दिया गया जो 3 साल से ही एक ही जगह पर पदस्थापित है। पुलिस अफसरों का तबादला गृह जिला को लेकर छोड़कर दूसरे जिलों में किया जाएगा। 3 साल पदस्थापित 31 दिसंबर 2021 के साथ निर्धारित किया गया। आयोग ने निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव संपन्न कराने के लिए निर्देश जारी कर दिया है। बिहार में 14 के साथ ही 24 सितंबर से मतदान शुरू होना है, जिसके साथ ही 10 से लेकर 14 सितंबर के बीच पुलिस विभाग को इसे पूरा काम कर लेना होगा। एक और पुलिस विभाग के तबादले को लेकर निर्देश जारी कर दिया गया। वहीं आयोग ने प्रशासनिक पदाधिकारी तबादले पर रोक लगा दिया। इस संबंधी पत्र राज्य निर्वाचन आयोग ने मुख्य सचिव को पत्र भेजा, जिसके जरिए जिला निर्वाचन पदाधिकारी, निर्मल पदाधिकारी, जिला पंचायत राज पदाधिकारी, निर्वाचित पदाधिकारी, सहायक निर्वाचन पदाधिकारी, उच्च निर्वाचन के साथ ही पदाधिकारी तबादलों पर चुनाव पर रोक लगा दी गई है। सरकार हो रही इलेक्ट्रिक कार पर सवार। जी हाँ, मुख्यमंत्री कुमार और उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद के बाद बिहार में एक और मंत्री अब इलेक्ट्रिक कार पर सवार होने की तैयारी में लग गया है। वन एवं पर्यावरण मंत्री नीरज सिंह बबलू ने कहा कि इस हफ्ते में उनकी इलेक्ट्रिक कार आ जाएगी। जी हाँ, अब वो इसी कार पर सवारी करेंगे। इलेक्ट्रिक कारों से पर्यावरण को नुकसान नहीं होगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जुलाई 2019 में इलेक्ट्रिक कार की सवारी करें। मुख्यमंत्री की कार की कीमत 11 लाख रुपए बताई जा रही है। पटना यह टाटा कंपनी की है। टाटा टिगोर एक और बार फुल चार्ज होने पर 142 किलोमीटर चलता
चलती है सामान्य बिजली के स्विच से इस कार की बैटरी 6 घंटे से करीब 80% तक चार्ज हो जाती है। वन एवं पर्यावरण मंत्री ने कहा कि सरकार इलेक्ट्रॉनिक के साथ ही वाहनों की खरीद को प्रोत्साहन देने की योजना पर विचार कर रही है। शहर में जगह जगह इलेक्ट्रिक वाहनों के चार्जिंग पॉइंट बनाने की तैयारी की जा रही है। पटना का पहला डबल टेक एलिवेटेड रोड 31 अगस्त को सीएम करेंगे शिलान्यास। पटना के पहले और बिहार के छपरा के बाद दूसरे डबल टेकर एलिवेटेड रोड का निर्माण कार्य 2 दिनों बाद शुरू हो जाएगा। जी हां, इसका शिलान्यास 31 अगस्त को मुख्यमंत्री कुमार करेंगे। कारगिल चौक पर इसका शिलान्यास कार्यक्रम होगा। पथ निर्माण के अपर मुख्य सचिव अमृत लाल मीणा के मुताबिक इसे तैयार करने का 3 लक्ष्य रखा गया है। कारगिल चौक के पीएमसीएच होते हुए साइंस कॉलेज में बनने वाले डबल टेकर फ्लाईओवर में 2 ओवर लगेंगे, जिसमें से 1 फ्लोर पर आने तो 2 फ्लोर से लेकर जाने की व्यवस्था होगी। फ्लाईओवर में भी 3 जंक्शन बनाए जाएंगे जो कारगिल चौक, कृष्णा घाट और NIT मोड पर नजदीक होंगे। रोड की कनेक्टिविटी कारगिल चौक, पीएमसीएच, कृष्णा घाट, NIT लॉ कॉलेज और महिंद्र से होगी। कारगिल चौक से NIT मोड जाने के लिए दूसरे तल्ले वाले रोड का इस्तेमाल करना होगा। NIT मोड से कारगिल चौक जाने के लिए 1 तल्ले वाले रोड से आएंगे। एलिवेटेड रोड से गंगा मरीन पथ से जोड़ा जाएगा। एलिवेटेड रोड के निर्माण से अशोक राजपथ से लेकर पर्सनालिटी सिटी तक भी लोगों को जाम से राहत मिलेगी। विभाग के आंकड़े के मुताबिक से करीब 3.5 लाख की आबादी को सीधे तौर पर फायदा होगा। पीएम किसान सम्मान निधि योजना का 52,574 किसानों को मिला लाभ। लखीसराय घाटे को कम करने और समय पर फसल की बुआई के दूसरे लघु सीमांत किसानों की आय की वृद्धि के लिए केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना तैयार कर दी। इसके तहत किसानों को प्रति वर्ष 3% के साथ ही 6,000 रुपये दिए जाएंगे। 1 सितंबर को लेकर 2018 से कृषि विभाग समन्वित किसानों को लेकर 78,109 किसान प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत आवेदन दिया गया। इसके साथ ही 52,574 आवेदन को स्वीकृत कर दिया गया। इसे किसान को लाभ दिया जाएगा। नई शिक्षा नीति के तहत प्रत्येक कॉलेज को नेक के साथ ही मान्यता लेना जरूरी। प्रोफेसर जोहार, मुंगेर विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर जोहारलाल ने भी कई शिक्षा नीति के तहत प्रत्येक कॉलेज को नेक के साथ ही मान्यता दी जाएगी। वे नीति शिक्षा के तहत स्थानीय अल्फेज कॉलेज में नेक की मान्यता लेने के लिए आयोजित 1 दिवसीय अंतरित वर्कशॉप एवं सेमिनार के माध्यम से स्थिति और इतिथि पद को लेकर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा बोल रहे थे। उन्होंने नेक के साथ ही मान्यता के लिए विभिन्न विधियों पर भी विस्तृत जानकारी। टेक्नीशियन एडवाइजर इंजीनियर SM न्याज ने भी बताया कि नेक की मान्यता के लिए 1,000 अंक निर्धारित है। मधुबनी के यश ने राज का नाम रोशन किया। पीएम मोदी करेंगे सम्मानित। प्रधानमंत्री मोदी ने मन की बात से न सिर्फ देश भर के युवा बल्कि बच्चे को भी प्रेरित होते देखा है। बिहार के एक ऐसा ही किशोर है यश झा, जिसने प्रधानमंत्री मोदी के मन की बात से प्रेरित होकर राज का नाम रोशन किया। मधुबनी के रहने वाले 15 साल के यश ने भी 2 ऐसी कहानियां लिख डाली जिसे लेकर प्रधानमंत्री से सम्मानित करने वाले। जी हाँ, यश फिलहाल मधुबनी के पॉल स्टार स्कूल की 11वीं के छात्र। दरअसल प्रधानमंत्री ने मन की बात में युवाओं को स्थानीय वीरों की गाथा लिखने के प्रेरित किया था तथा इसे अनसुनी वीरों की गाथाएं दुनिया तक पहुंच सकी। यश ने पीएम मोदी की बातों से प्रेरित होकर 2 कहानियां लिख डाली। दोनों कहानियां ऐसी है जिसे देश भर के सबसे बेहतर कहानियों में बनाई जाएगी। गाय भैंसों को लगी की वैक्सीन, 1 महीने में 2 करोड़ पशुओं का होगा टीकाकरण। बिहार के सभी गाँव में घर घर जाकर 2 करोड़ पशुओं, खासकर गाय और भैंसों का टीकाकरण किया जाएगा। जी हाँ, इसे लेकर 6 सितंबर से लेकर 5 अक्टूबर तक अभियान चलाया जाएगा। इस पशुओं में गलघोंट और लंगड़ी बुखार से लेकर बचाने के लिए HS और Q का टीका निःशुल्क लगाया जाएगा। इसको लेकर पशु और मत्स्य संसाधन विभाग ने सभी जिलों प्रखंडों के नोडल पदाधिकारी बनाने के निर्देश क्षेत्रीय निदेशक को दे दिया। पशु चिकित्सक बताते हैं गेहूं से लेकर बुखार की बीमारी मुख्य रूप से गाय भैंसों को होती है। विभाग ने कहा कि पशु चिकित्सक के नोडल पदाधिकारी बनाए कि जो पशुपालन पदाधिकारी से मिलकर अभियान की सफलता सुनिश्चित करेंगे। मिली जानकारी के अनुसार राज्य भर में करीब 8,000 से अधिक टीकाकर्मी तैयार किए गए। टीका देने के बाद समय सुबह 8 से लेकर शाम 5 बजे तक रखा गया है। पुलिया में मनरेगा के तहत 7,17,000 की अवैध निकासी। मनरेगा में राशि की अवैध निकासी बगैर काम हो और भला हो सकता है क्या? इस तरह से मामले कई बार आ चुके। इसी संदर्भ में एक ताजा मामला प्रखंड के साथ ही खाली मशीन और गांव पंचायत के साथ ही अंतर्गत मीर टोला महेश बतुआ में से RCC पुल निर्माण के बगैर मनरेगा योजना सेवा के द्वारा मनमानी ढंग से 7,17,000 राशि निकासी कर गबन करने का मामला प्रकाश में आया है। चुस्त होगी जजों और कोर्ट की सुरक्षा, समीक्षा के लिए बनेगा प्रोटोकॉल ग्रुप। राज्य में सभी जजों और कोर्ट परिषद की समुचित की सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा को लेकर एक बार एक PRG का गठन किया जाएगा। इसके साथ PRG की जिम्मेदारी समय समय कोर्ट एवं जजों की सुरक्षा की समीक्षा करेगी। इसके अलावा जहां सुरक्षा में कई कमी देखी जाएगी, सुरक्षा मानक के अनुरूप नहीं होगी, उसे चुस्त करने के साथ ही ठीक करने के विभाग ने निर्देश जारी कर दिया। इस कमेटी के अध्यक्ष कौन होंगे और इसका स्वरूप क्या होगा, इसका निर्धारण भी जल्द किया जाएगा। BCECBE के साथ जारी की गई ITI CAT के एडमिट कार्ड बिहार कंबाइंड एंट्रेंस कम्युनिटी एग्जामिनेशन बोर्ड ने भी जारी कर दिया है। जहां कल का एडमिट कार्ड शनिवार शाम को दिया जाएगा। इस परीक्षा में भाग लेने अभ्यर्थी के साथ ही वेबसाइट पर जाकर BCEBBoardBihar.gov.in पर जाकर अपने एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते। बिहार इंटरस्टेट ट्रेकनेशन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट कम्युनिकेशन के साथ एडमिशन टेस्ट 21 को किया जा रहा है।
राज्य में भारी बारिश के आसार। फिलहाल बिहार के ज्यादातर हिस्सों में भारी बारिश होती रहेगी, जिसमें लेकर अगले 24 घंटे के दौरान उत्तर बिहार के पश्चिम चंपारण, गोपालगंज, सिवान, किशनगंज, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, भोजपुर में गरज के साथ ही भारी बारिश के पूर्वानुमान लगाया जाए। इसे लेकर मौसम विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया। पटना समेत राज्य के कई हिस्सों में अगले 3 दिनों तक आकाश में बादल छाए रहने के साथ ही हल्के से मध्यम स्तर की बारिश का पूर्वानुमान लगाया जा रहा है। डायबिटीज के मरीजों के लिए प्रोटीन लेने का सही समय क्या है जानिए। प्रोटीन बॉडी के हर अंग को बनाने और उसे चलाने के लिए बेहद जरूरी होता है। शरीर के सभी कोशिकाओं को बनाने और उसे टूट फूट की मरम्मत का काम प्रोटीन ही करता है, इसलिए इसे बॉडी बिल्डिंग भी कहा जाता है। प्रोटीन हमारी बॉडी के लगभग हर पार्ट के लिए जरूरी होती है, इसलिए खून के जमने, शरीर में तरलता को लेकर संतुलित करने, इम्यून सिस्टम को मजबूत करने, अच्छी दृष्टि पाने, हार्मोन्स और एल्जाइम को संतुलित करने के लिए भी जरूरी होता है। प्रोटीन हमारे शरीर में मैनेजर की तरह काम करते हैं। शरीर में आने वाले वायरस और बैक्टीरिया को पहचानने और सेल्स को निर्माण करने के साथ इम्यूनिटी सेल्स तक इन वायरस के अटैक की जानकारी पहुंचाने का काम करता है। इस हर इंसान के प्रोटीन की ज़रूरत उम्र और बॉडी के मुताबिक घटती बढ़ती रहती है। शुगर के मरीज, अब जिन लोगों का वजन कम रहता है उन्हें प्रोटीन की ज़रूरत अलग अलग होती है। वजन कम करने वालों को सुबह लेना चाहिए प्रोटीन। जी हाँ, अगर आप वजन कम करना चाहते हैं तो ब्रेकफास्ट के दौरान प्रोटीन लीजिए, क्योंकि प्रोटीन लेने के बाद मेटाबॉलिज्म की प्रक्रिया काफ़ी तेज होगी और जिससे मरीज में ज़्यादा ऊर्जा आती है। जिम में पसीना बहाने में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरी ओर प्रोटीन को पचाने में समय लगता है। अगर सुबह प्रोटीन लेंगे तो भूख दिन भर नहीं लगेगी, इसलिए वजन कम करने वालों को सुबह ही प्रोटीन लेनी चाहिए। डायबिटीज़ वालों को कितना लेना चाहिए प्रोटीन? गुड प्रोटीन डायबिटीज़ की रोगियों के लिए आवश्यक है। इससे डायबिटीज़ कम हो जाता है। डायबिटीज़ में पूरे दिन संतुलित आहार की जरूरत होती है, इससे शुगर लेवल भी मजबूत और संतुलित होता है। डायबिटीज़ के मरीजों को ना ज़्यादा प्रोटीन लेना चाहिए और ना ही कम इंसुलिन और शुगर लेवल संतुलित रहे। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल के जवाब आपने से बहुत सजेस्ट ने हमें कमेंट करके दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर्स के जवाब अच्छे लगे उनके नाम है कन्हैया कुमार, चिंटन ओझा, कोमल चौधरी और आकाश कुमार। आप हमारे सवालों का जवाब देते रहें, कल आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते आज के सवाल की। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, क्या राज्य में जाली नियुक्ति पत्र पर कई शिक्षक नौकरी कर रहे हैं एवं इसकी अविलंब जाँच होनी चाहिए? अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। कल की खबरों के लिए हमारे साथ जरूर रहे। अगर ये वीडियो आप हमारे YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। और अगर आप ये वीडियो हमारे Facebook पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें। धन्यवाद।